ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के फॉर्मूले समझे थे। हमने आपको सब मतलब उनके कॉन्सेप्ट भी बताए और प्लस फ्लो चार्ट्स एंड फॉर्मूले से वेरिएंसेस निकालना भी बताया। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी प्रॉब्लम्स पर लगाएंगे। हम लोग पहली प्रॉब्लम देखेंगे P18। एक बार आप देख लें इस प्रॉब्लम को। इसमें हमको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने हैं। देखिए, एक्स वाई जेड कंपनी हैज एस्टेब्लिश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दे रखे हैं 6, मतलब एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दे रखा है। एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल आवर वर्क दे रखा है, ठीक है। तो हमें वेरिएबल ओवरहेड निकालने हैं, करेंगे। प्रॉब्लम है हमारी P18। हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में मैंने आपको बताया था हमको सिर्फ 3 ओवरहेड चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ओवरहेड, और हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आवर बेस्ड और एक यूनिट बेस्ड। आवर बेस्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SH into SR पर आवर, AH into AR पर आवर, एंड इसमें होता है AH into SR पर आवर। यूनिट बेस्ड का फॉर्मूला होता है यहां पर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट यही होता है। अब ये हम अपने वर्किंग नोट से लिख लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 100,000, सॉरी एक्चुअल आउटपुट है हमारा 20,000 यूनिट। एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड देखें आप कितने हैं इसमें। एक्चुअल ओवरहेड है हमारे पास 200,000 रुपए। एक्चुअल आवर कितने हैं, 112,000 घंटे। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, 2 रुपीज, एंड स्टैंडर्ड टाइम छह घंटे। अब देखिए, यहां मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही बताया था। सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, 6 into 120,000 घंटे, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना होगा, 6 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का 2 रुपए रेट है, यानी कि 12 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, अब जरा लिख लें डाटा को। स्टैंडर्ड आवर है मेरे पास 120,000, स्टैंडर्ड रेट आवर का है 2 रुपए, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 20,000 यूनिट है और आवर यूनिट का रेट है 12 रुपए। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट
ये मुझे 2 लाख रुपए दिए हुए हैं एक्चुअल ओवरहेड, इसलिए उसमें मुझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल आवर कितने थे? 1,12,000 और रेट था 2। अब मुझे निकालना है एसओ। एसओ का मतलब है स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। तो देखिए एसओ क्या होगा, 1,12,000 घंटे है हमारे पास और एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 6 घंटे। तो डिवाइड करके निकाल लेंगे ना टाइम कितने स्टैंडर्ड आउटपुट निकला। एक लाख 12,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा हमारा 18,666.67। हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आया हमारा 18,667 × 12। तो ये आ गया हमारा 2,24,000 और इसका टोटल आया 2,40,000, इसका भी टोटल आया 2,40,000 और इसका टोटल आया 2,24,000। अगर आप देख रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि वैल्यूज चाहे आप आवर से निकालें और चाहे आप यूनिट से निकालें, वैल्यूज सेम रहती हैं। यही ब्यूटी है। और ये चूंकि हम लोग पूरा एक एलाबोरेट वे में पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा समझ में भी आ रहा है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में या आप कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें ए वाला फॉर्मूला तो इससे निकाल दिया और ये वाला इससे निकाल दिया और ये इससे निकाल दिया, अब आप कंफ्यूज्ड कि यार कहीं पर आवर ले लिए मैंने, कहीं पर यूनिट्स ले ली। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अब क्या रह गया, ये वर्किंग नोट हो गया। अब तो क्या बच्चों का काम है, आप भी जानते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल कितना होगा? 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो 40,000 आपका फेवरेबल हो गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल 2,24,000 माइनस 2,24,000 आपका ये फेवरेबल आ गया। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड, तो 2,40,000 माइनस 2,24,000 16,000 फेवरेबल। आप समझ गए? 1 मिनट भी नहीं लगा तीनों वेरिएंस निकालने में, बशर्ते ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है? चलिए अगली प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। P19 प्रॉब्लम है, देखें जरा। अब यहां पर देखिए बजट दे रखा है हमको, जो जो डाटा दे रखा है बस आप उसको सिर्फ देख लीजिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ डाटा देख लीजिए। यहां पर लिखा है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, इसको चाहें तो आप अंडरलाइन कर लें, मतलब ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हो गया ना, ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड। तो हम कैसे करेंगे, P19
रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, यही तीन निकालते हैं। आवर बेस्ड, यूनिट बेस्ड, आवर बेस्ड का फॉर्मूला, यूनिट बेस्ड का फॉर्मूला, मैंने यही चीज आपको बोली है कि आप ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं ना, ये आप हमेशा लिखें, कभी भूलेंगे नहीं आप। जितनी बार आप अपने हाथ से लिखेंगे उतनी बार आपको याद आएंगे। चाहो तो इसमें लिख दीजिए इन ए एच, और इसमें लिख दीजिए फॉर ए ओ, याददाश्त के लिए, बाकी जरूरत नहीं है अब इतनी प्रैक्टिस कर ले के बाद। ठीक है, मुझे दे रखा है, प्रोडक्शन में देखेंगे तो मुझे एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 360 यूनिट, मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं मुझे, चलिए एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं, तो जो एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं वो तो लिख ही ले आप। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर दे रखे हैं 7000, अब मुझे चाहिए रेट, तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। एक मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और दूसरा चाहिए मुझे स्टैंडर्ड रेट पर आवर, दो चाहिए। तो पहले मैं देखता हूं स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मेरे पास बजटेड ओवरहेड है कितने 10000, और बजटेड आवर है मेरे कितने 8000, यानी कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ गया मेरा 1.25। पर यूनिट और निकाल लेता हूं, 10000 का मेरा स्टैंडर्ड बजटेड ओवरहेड है, 400 यूनिट बना रहा हूं, यानी कि 25 रुपए पर यूनिट का रेट आ गया। तो जो पर आवर का रेट था वो यहां लगा दिया मैंने, और एक्चुअल आउटपुट था कितना 360, स्टैंडर्ड रेट मैंने ये लगा दिया। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आवर किस चीज के लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखिए मेरे पास 360 यूनिट मेरी एक्चुअल आउटपुट ही है, और नीचे लिखा है कि 20 घंटे चाहिए होते हैं, नीचे लिखा है 20 घंटे चाहिए हुए, यानी कि जो रेट है वो हो गया 7200 घंटे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 7200 और रेट है हमारा 1.25। ठीक है, अब देखिए क्या रह गया, एक और रह गया स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। तो यहां पर भी देख लें एक्चुअल आवर मेरे कितने हैं, 7000 घंटे हैं मेरे पास एक्चुअल आवर, और एक यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं, यानी कि आपकी जो यूनिट तैयार होती वो कितनी होती 350। अब आप कैलकुलेशन कर लें इसकी जरा, इसका कितना कैलकुलेशन होगा, ये 1750 होगा, तो ये 8750, इसका भी 8750, इसका होगा 9000, तो इसका भी होगा 9000। अब देखिए मैंने
नो यूज ऑफ बजटेड आउटपुट, कोई यूज नहीं किया, जो क्योंकि मुझे बजटेड ओवरहेड की जरूरत थी नहीं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको क्योंकि फिक्स्ड में तो हम लोग करेंगे इसको ही। अब मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अब कितना होगा, 9000 माइनस 9150, 150 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा, 8750 माइनस 9150, 400 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, 9000 माइनस 8750, 250 फेवरेबल। कहिए सर, कठिन लग रहा है? बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, सिंपल है बिल्कुल। फॉर्मूले पता होने चाहिए कैसे लगने हैं, बहुत सिंपल है। चलिए इसी बात पर अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड की प्रॉब्लम आ गई है। कोई बात नहीं, हम तो फिक्स्ड वेरिएबल सारे ही जानते हैं, रूल्स हमें सारे पता हैं। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड एज पर बजट दे रखा है 5000, ये बजटेड ओवरहेड हो गए। बजटेड आवर दे रखे हैं, एक्चुअल आवर दे रखे हैं, एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं। हमको सिर्फ एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है? चलिए करते हैं इसको। अगली प्रॉब्लम हमारी है P20, जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमें बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं कितने, 5000। बजटेड आवर दे रखे हैं 10000 आवर। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट आवर का निकल आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 10000, यानी कि 0.5। एक्चुअल आवर दे रखे हैं 7000 घंटे और एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं 5600। आप गौर से देखेंगे इसमें यूनिट वाला कोई डाटा ही नहीं दे रखा है। तो जब यूनिट वाला कोई डाटा नहीं दे रखा है तो फिर हम उसको जबरदस्ती क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम निकाल रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में मैंने बताया था नॉर्मली हम चार डाटा निकालेंगे, रिकवर्ड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजटेड। इन सब के आगे ओवरहेड लिख दो। एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है कितना है, 5600। बजटेड ओवरहेड दे रखा है कितना, 5000। अब मुझे रिकवर्ड निकालने हैं और स्टैंडर्ड निकालने हैं। तो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये देख लें कितना होगा, 7000 इंटू 0.5, ये हो गया 3500। अब मुझे चाहिए रिकवर्ड, रिकवर्ड के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर निकालने का मेरे पास कोई टूल नहीं है, कोई बात नहीं। इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है एक्सपेंडिचर वैल्यूम एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो मुझे अगर एक्चुअल आउटपुट मिल जाता है, अच्छा अच्छा
यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, तो मैं रिकवर्ड कैसे निकालूंगा? अगर यूनिट्स नहीं देनी तो रिकवर्ड कैसे निकलेगा? एक्चुअल आवर वर्कड निकाल दिया है, ओके एक्चुअल आवर वर्क निकाला है इन्होंने, एक्चुअल आवर वर्क निकाला है। मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलिए तो यहां पर मुझे एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी क्या कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं ये एजम्पशन लूंगा दैट इज पर यूनिट आवर इज सेम फॉर बजट एंड एक्चुअल। मैं ये एक एजम्पशन ले लूंगा कि मेरे पास जो मैं पर यूनिट प्रोडक्शन कर रहा हूं वो जो एक्चुअल आवर में प्रोडक्शन कर रहा हूं वही स्टैंडर्ड आवर में प्रोडक्शन कर रहा हूं। मतलब अगर मैंने बजट बनाया था कि मैं एक घंटे में एक यूनिट बनाऊंगा तो एक्चुअल में भी मैंने एक घंटे में ही एक यूनिट बनाई है, तो जब ऐसा केस होगा तो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर सेम हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ गए? एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं था, और अगर अधूरी इंफॉर्मेशन है तो हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? बजट माइनस एक्चुअल, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होगा रिकवर्ड माइनस बजट। ये देखेंगे 2100 आएगा, ये देखेंगे 600 आएगा, और ये आएगा हमारा 1500। तीनों एडवर्स वेरिएंस होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको एक एजम्पशन लेनी पड़ी कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है और जो स्टैंडर्ड टाइम है पर यूनिट वो सेम है। क्यों? क्योंकि हमको आउटपुट नहीं दे रहा था। देखिए पूरा क्वेश्चन में हमको आउटपुट नहीं दिया था, ठीक है ना। अब हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे P21। इसमें हमको स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है, बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल आवर वर्क दे रखा है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं। अब हमें सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। हम कर रहे हैं अब लोग P21 फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में हमने बताया हमको चार वेरिएंस नॉर्मली निकालने हैं, रिकवर्ड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजट। ये हमें निकालने हैं। अगर हम लोग आवर बेस चलेंगे
तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट आवर का, और अगर हम यूनिट बेस्ड चलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का। ये स्टैंडर्ड आवर होते हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए, ये तो आपको पता ही है, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट आएगा, और यहां पर एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट हो जाएगा। यहां पर होता है हमारा एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहां पर होता है एस स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। यहां पर होता है हमारा बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट आवर का, और यहां पर होगा बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का। सही है। अब हम डाटे को, जो हमारा डाटा दिया है उसको फीड करेंगे। जो जो डाटा दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी कि बजटेड आउटपुट दे रखा है हमको, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 1400 1400, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 1500 1500। तो इन दोनों को देख निकालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये चार चीजें चाहिए, ठीक है। तो मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। देखिए, पहले चाहिए मुझे स्टैंडर्ड रेट यूनिट का अलग चाहिए और आवर का अलग चाहिए। तो मेरे पास बजटेड ओवरहेड है कितने, 1400, और मेरे पास बजटेड आउटपुट है कितना, 1400। तो स्टैंडर्ड रेट यूनिट का कितना आएगा, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। बजटेड ओवरहेड है मेरे कितने, 1400, और मेरे पास बजटेड आवर कितने हैं, 40 घंटे। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट जो आवर का आएगा वो आएगा 1400 डिवाइडेड बाई 40, 35 रुपीज पर आवर, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 1200 यूनिट, और एक्चुअल आवर दे रखे हैं 32 आवर्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। तो मैं ये देखूंगा 1400 यूनिट तैयार हो रही है मेरी 40 घंटे में, तो 32 घंटे में मेरी कितनी यूनिट तैयार होनी चाहिए। ये मेरे बजटेड आवर हैं और ये मेरे एक्चुअल आवर हैं, ठीक है। तो इसका 80% कर दें तो ये 1120 यूनिट आएंगी। तो स्टैंडर्ड आउटपुट निकल आया मेरा, एच दे रखा है, एसएच दे रखा है। एक मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैं ये देखूंगा कि मैं 35 घंटे में 1400 यूनिट बना रहा हूं, नहीं 35 नहीं, 40 घंटे में 1400 यूनिट बना रहा हूं, तो 1200 घंटे में मैं कितनी यूनिट बनाऊंगा, या 1200 यूनिट के लिए मुझे कितने घंटे चाहिए। सही वर्ड ये है, ठीक है ना। तो ये कटेगा 2 टाइम, और ये 6 होगा, ये 7, तो ये हो जाएगा 400, 240,
अपॉन 7। लेट मी चेक कैलकुलेशन में सही कर रहा हूं कि नहीं। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आई थिंक सो कैलकुलेशन इज परफेक्ट। यह आ जाएगा 7 21, 30 बचेंगे, 7 6 28, 34.29 hours। चलिए अब मुझे इस डाटा को ऊपर यूज करना है। स्टैंडर्ड आवर ये 34.29 इंटू स्टैंडर्ड रेट है मेरा 35 रुपीज का, एक्चुअल आउटपुट है मेरा 1200 और स्टैंडर्ड रेट है 1। ये मैं निकाल चुका हूं, एक्चुअल आवर्स है मेरे पास 1200 एक्चुअल आवर है 1200 नहीं है, एक्चुअल आवर है 32, 32 आवर्स है। और रेट है हमारा, स्टैंडर्ड रेट है 35 और स्टैंडर्ड आउटपुट था हमारा 1120 यूनिट का और रेट था 1 रुपीज पर यूनिट। चलिए ये डाटा हमने लिख लिया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये 1120 हो जाएगा, ये भी 1120 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा और ये भी 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी आपने देखा यही एक प्रॉब्लम आती है डाटा को इंटररिलेट करने के लिए, किस डाटा से क्या निकलेगा। ठीक है, अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आप यहां से देख के बता सकते हैं, 1200 माइनस 1500 300 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1400 माइनस 1500 100 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 1200 माइनस 1400 200 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 1120 माइनस 1400 280 एडवर्स। एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 1200 माइनस 1120 80 फेवरेबल। एक बार डाटा आपका बन जाएगा उसके बाद कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हमने P21 प्रॉब्लम करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, P22। बस इस डाटा को ही यूज करना है आपने और कुछ नहीं करना है, इस डाटा को ही यूज करते जाना है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज में। एक बार देख ले P22 प्रॉब्लम्स, मैं सभी प्रॉब्लम्स में यही कॉन्सेप्ट्स लगाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, P22 प्रॉब्लम्स, बजट दे रखा है, एक्चुअल्स दे रखे हैं, आवर सब कुछ दे रखा है, अब इससे हमें अपनी वर्किंग करनी है।
P22 फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाल रहे हैं हम लोग। रिकवर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड बजट, यहां पर लिख दिया मैंने आवर बेस्ड और यहां लिखा मैंने यूनिट बेस्ड। फॉर्मूले लिखने पड़ ली जल्दी से, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर, आवर वाला एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट आवर का, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट यूनिट का, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट आवर का, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का, बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट आवर का, बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का। ठीक है, अब जो डाटा हमें दिया है वो लिख लें। क्वेश्चन में हमको बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं। ये दे रखे हैं, इसलिए इनके लिए मुझे ज्यादा वर्किंग नहीं करनी है। और अब वर्किंग नोट्स रहेंगे। वर्किंग नोट में बजटेड आवर दे रखे हैं 20,000, एक्चुअल आवर दे रखे हैं 20,100, बजटेड आउटपुट दे रखा है 5,000 यूनिट का, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 5,200 यूनिट का, एंड बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं 10,000। तो मैं स्टैंडर्ड रेट आवर का निकाल लूंगा, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर 50 पैसे, स्टैंडर्ड रेट में यूनिट का निकाल लूंगा, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर बजटेड आउटपुट, तो ये 2 रुपए पर यूनिट आ गया। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर निकाल लूंगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कितना होगा मुझे 5,000, 20,000 यूनिट या 20,000 घंटे में मैं 5,000 यूनिट बनाता हूं, यानी कि एक यूनिट में 4 घंटे में बनाऊंगा, तो 5,200 यूनिट में कितने में बनाऊंगा, 20,800 घंटे में। और मेरा चौथा है एक्चुअल आवर में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, तो मेरे पास एक्चुअल आवर है कितने, 20,100, ठीक है ना। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूं जरा प्रॉपर तरीके से। मैं ये कहूंगा कि 5,000 यूनिट मैं बनाता हूं 20,000 घंटों में, तो 20,100 घंटे में मेरी कितनी यूनिट बनेंगी, तो ये हो जाएंगी 5,025 यूनिट। मेरे ख्याल से हमने चारों ही डाटा निकाल लिए। अब हम यहां पर लिखते हैं SH है मेरा 20,800 और SR है मेरा 0.5, ठीक है। AO है मेरा 5,200 इंटू
एसआर है 2 रुपए का, एएच है मेरा 20,100 और एसआर है 0.5 और एसओ है मेरा 5,025 और एसआर है 2। अब आप इस कैलकुलेशन के जो आंसर है वो लिख दें, ये 10,400 आएगा, ये भी 10,400 आएगा, ये 10,050 आएगा और ये भी 10,050 आएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या हो रहा है, 10,400 माइनस 10,200 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है, 10,000 माइनस 10,200 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, 10,400 माइनस 10,400 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 10,050 माइनस 10,050 फेवरेबल। और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 10,400 माइनस 10,050 350 फेवरेबल। क्यों सरकार, कोई डाउट? तो आप लोगों को जो फिक्स्ड ओवरहेड टफ लगता था, अब लगता होगा कि नहीं ये तो इतना टफ नहीं था, हम लोग तो फालतू में घबराते थे, ठीक है ना। चलिए अगली प्रॉब्लम देखें, हम लोग सीरियल नंबर से प्रॉब्लम करते जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और कोई को प्रॉब्लम छूटेगी भी नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम है P23, ये बिल्कुल P20 की ही प्रॉब्लम को मैंने चेंज कर दिया है। तो P23 प्रॉब्लम जो है वो P22 के ही जैसा है। सेम प्रॉब्लम है, इसलिए ये होमवर्क है आपका, ठीक है सर। तो अभी हमने P18 से P23 की, अब ब्रेक लेके फिर हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे।